ईकैट मैथमेटिक्स के अंदर आज हमारे पास जो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसके अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेफिनेशंस एंड फार्मूलाए हैं कुछ, और डिवीजन फार्मूला। और हम देखेंगे कि इनसे मुतल्लिक जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि ईकैट के अंदर आपको आएंगे, वो किस तरह के आएंगे और हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट ही एक एमसीक्यू से करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, 4 एंड 6, 8 इज, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 14, सी 2 एंड डी 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या हैं, जैसे हम जानते हैं जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। समटाइम जो है वो इजी आपको जो है वो एमसीक्यूज में आएंगे, तो जिसमें पूछा जा सकता है जी कि एक ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या कहा जाता है, एब्सिसा। सेकेंड टर्म को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इसका मतलब है अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, जहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज अवर ओरिजिन, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि ये दोनों पॉइंट चूंकि एक्स भी यानी एब्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी फर्ज करें ये 2 और समथिंग 4, ये 2, 4 है, और 6, 8 देखें तो यहाँ पे 6 और तकरीबन फर्ज करें यहाँ पे 8 है, तो हम जो है ये जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए और फर्ज कर लें पॉइंट बी है, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हम देखते हैं कि एक्स में कितना चेंज आया, यानी पे ये एक्स वन है, यहाँ पे एक्स वन था और यहाँ पे एक्स टू हो गया, तो हम देखेंगे यानी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस एक्स वन है, यहां से लेके यहां तक एक्स टू है। अगर आप एक्स वन में से एक्स टू में से एक्स वन निकाल दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस वाई वन है और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस वाई टू है, तो अगर हम वाई टू में से वाई वन निकाल दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो मीन इसका स्क्वेयर यानी इस साइड का स्क्वेयर और इस साइड का स्क्वेयर जो है उन दोनों का अगर हम स्क्वेयर रूट ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास हाइपोटेनस का हाइपोटेनस आ जाएगी, यानी आप देखें कि हाइपोटेनस का स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमने हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है तो हम स्क्वेयर रूट कर लेंगे, और यही हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्या है जी, अगर मुझे डी फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो आ जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट, ठीक है, स्क्वेयर रूट किस किस का, यानी जो बेस है हमारे पास यानी एक्स टू माइनस एक्स वन, ये लेंथ निकालनी, ठीक है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है, और इस तरह से वाई लेंथ, ये लेंथ चाहिए मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ, वो कैसे आ जाएगी, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब इसमें आप इसको एक्स वन वाई वन ले या इसको एक्स वन वाई वन ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर में है, तो अगर कोई नेगेटिव भी आएगा तो वो भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर यहां पर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो बहुत सिंपल सा वे है कि 8 माइनस 4 यानी y2, दिस इज, अगर मैं इसको x1 y1 कह रहा हूं तो ये x2 y2 है, एंड दिस इज माय x1 y1, तो y2 माइनस y1 विच इज 8 माइनस 4 होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 विच इज 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं d इज इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 मीन 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, और प्लस 6 माइनस 2 ये भी 4 का स्क्वायर जो होता है 16, तो 16 प्लस 16 32, ठीक है, स्क्वायर रूट 32, जिसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट हमारे पास 16 टाइम्स 2। अब देखें स्क्वायर रूट 32 ऐसा हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल होता तो हम उसको मार्क कर देते, वो हमारे पास आंसर हो जाता, लेकिन अब स्क्वायर रूट 32 नहीं है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट 32 को मजीद हम सॉल्व करेंगे, तो 32 को मैंने लिख लिया 16 टाइम्स 2, 16 जो है वो स्क्वायर रूट है 4 का, और स्क्वायर रूट 2 अलग से कर लो तो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 विच इज ऑप्शन नंबर डी, तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए 2, 3, बी -1, 6 एंड सी 7, 5 इज 1, 3, 2, 7 या 2, 5, 2/5, 7/3 या 8/3, 14/3 एंड 7/3, 11/3। अब हमने बताना है कि इसमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रॉइड होता क्या है।
सेंट्रॉइड दरअसल जो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल होते हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे तमाम मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर इस ट्रायंगल को रफली ड्रॉ कर लूं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी आपको समझाने के लिए, वरना ये सवाल जो है वो कुछ सेकंड का है, ठीक है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और अगर सबसे पहले देखें तो 2 3 जो कि 1 2 1 2 3 फर्ज करें ये पॉइंट है, -1 6 x नेगेटिव इस तरफ, और 6 1 2 3 4 5 6 समवेयर कहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है 7 5, तो 3 4 5 6 7 और 5 तकरीबन यहाँ पे चले यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह की ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के जो सेंट्रॉइड क्या होगा, अगर मैं अगर बेहतर ट्रायंगल बना दूं तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा सेंट्रॉइड क्या होता है। अब मीडियन क्या होता है, अगर मैं इस वर्ड ये वर्टिसेस, वर्टिसेस मीन के एजेस, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल के एजेस को ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से मिला दूं, जैसे इसका मिड पॉइंट ये है तो इसको यूं मिला दो, इसका मिड पॉइंट ये है इसको यूं मिला दो, इसका मिड पॉइंट ये है इसको यूं मिला दो, तो बेसिकली आप देखें ये जो है दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। आप सेंट्रॉइड अगर तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंट्रॉइड होता है जी एक्स वन, यानी अगर तीनों पॉइंट्स के एब्सिसस को ऐड करके आप 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उससे और क्या आएगा, उस सेंट्रॉइड का एब्सिसा आ जाएगा यानी फर्स्ट पॉइंट, और इसी तरह ऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करें तो आपके पास ऑर्डिनेट आ जाएगा उस सेंट्रॉइड का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं यहां से ये ट्रायंगल्स रिमूव करूं, जो मैंने आपको समझाना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर मैं सेंट्रॉइड यहां से रिमूव करूं यानी ट्रायंगल यहां से रिमूव करूं तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास सेंट्रॉइड का एब्सिसा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 -1 1 और 1 + 7 8, ठीक है, 8 / 3। अब अगर आप देखें तो आप सीसा कौन दे रहा है 8 / 3 इन तमाम ऑप्शन में से, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, सो 8/3 यहां से आ रहा है। इसका मतलब है जो पॉसिबल ऑप्शन है वो हमारे पास ये, बल्कि जो आंसर होगा वो यही होगा, मैं पहले इसको मार्क कर देता हूँ, क्योंकि जो ऑर्डिनेट होगा वो डेफिनेटली 14/3 ही बनेगा। आप चेक कर लें 3 + 6 9 और 9 + 5 14 / 3, सो ये बहुत हमारे पास यानी कितना सिंपल वे था। अगर आप देखें तो अगर आपको एक्सप्लेन ना करना हो या आपको ये कॉन्सेप्ट हो कि सेंट्रॉइड होता क्या है तो ये सवाल बहुत ही आसान है। सेंट्रॉइड से मुतल्लिक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेंट्रॉइड जो है यानी किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है हर मीडियन को 2:1 में, यानी 2:1 में, यानी अगर एक मीडियन देखो फॉर एग्जाम्पल जिसमें मैंने ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, और हम सपोज कर लेते हैं कि नॉट दिस वन, ये नहीं, बल्कि हम कोई मीडियन मिड पॉइंट ले लें, अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूँ, जैसे मुझे पता चलता है जी कि फर्ज करें ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, जो मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, इसका मिड पॉइंट लो तो तकरीबन बनता है ये, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दिस पार्ट इज 2 यानी 2:1, ये क्या है, ये भी 2:1। तो जो सेंट्रॉइड होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, 2:1। अगर आप थर्ड मीडियन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यूं, तो आप देखेंगे वो भी आपका ये 2:1 में ही डिवाइड करे। सो सेंट्रॉइड की एक ये प्रॉपर्टी भी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जी द पॉइंट्स, एक पॉइंट से हम इसको नेम भी देते हैं खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी और दिस पॉइंट इज सी, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहे हैं, अगर एमसीक्यू के अंदर नहीं है तो नहीं है। इफ द पॉइंट्स ए 7 9, बी है 3 - 7 एंड सी है -3 3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये सिंबल जो है वो ट्राइंगल का है, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स मेजरमेंट में बराबर हो, इक्विलैटरल जिसमें तमाम साइड्स मेजरमेंट में बराबर हो, और राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें जो कि राइट एंगल ट्राइंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो। तो अगर मैं इसको
यहाँ पे रफली स्केच करूँ तो उससे हमें कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हो जाएगा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास प्रॉपर ग्राफ हो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर मौजूद है आप इसको प्रॉपरली ग्राफ करके बड़े आराम से बता सकते हैं। सो वन चले 1 2 3 4 5 6 7 और 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चले फर्ज करें एक पॉइंट ये है एंड 3 माइनस 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 -7 नीचे होगा ये पॉइंट आ गया और -3 3 1 2 3 और +3 1 2 3 ये पॉइंट ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यूं ठीक है तो एक बात तो जो मुझे क्लियर हो रही है वो ये है कि ये जो ट्रायंगल है ठीक है ये मुझे राइट एंगल भी नजर आ रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन पे देखें राइट एंगल भी नजर आ रही है ठीक है। मैं इसको चेक करूंगा राइट एंगल भी नजर आ रही है और आइसोसेलेस भी नजर आ रही है यानी ये वाली साइड जो है मुझे इस साइड के बराबर नजर आ रही है। अगर मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे पॉइंट दिस पॉइंट मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था 7 9 ये 7 9 है फिर मैंने प्लॉट किया 3 माइनस 7 तो ये 3 माइनस 7 है और फिर मैंने प्लॉट किया -3 एंड -3 एंड 3। तो डिस्टेंस फार्मूला से सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 9 माइनस 3 यानी y2 माइनस y1 तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6 तो 6 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस माइनस तो 7 माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 7 प्लस 3 जो कि 10 बनता है 10 का स्क्वायर 100 ठीक है 100 तो 6 का स्क्वायर 36 ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 36 प्लस 100 36 प्लस 100 का स्क्वेयर रूट बनता है जो कि 136 है स्क्वेयर रूट 136 ठीक है मेक सेंस। अब हम इनका करते हैं अगर मैं इन दोनों साइड से करूं तो ये भी बनेगा -7 -3 जो कि -10 का स्क्वेयर प्लस 100 ठीक है और यहाँ पे ये बन जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस तो प्लस तो 6 का स्क्वेयर तो अगर आप देखें तो ये भी बनता है स्क्वेयर रूट 136 ये भी बनता है स्क्वेयर रूट 136 तो यहां से समझ आएगी कहीं आसोसलस है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है कि वो यहां से देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल उन्होंने दो पे अप्लाई किया आइसोसेलेस निकला इसको मार्क कर दिया। देखिए राइट एंगल निकल आई राइट एंगल को मार्क कर दिया। आपको सारे ऑप्शन जरूर रीड करने हैं क्योंकि एक में राइट एंगल है एक में आइसोसेलेस है एक में इक्विलेटरल लेकिन एक में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो इस केस में हम वेट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारे पास और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि जैसा आपको यहाँ पे ये नजर आ जाएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे अगर अब थर्ड साइड को देखता हूं तो थर्ड साइड मुझे नजर आ रही है जो कि बनती है y2 माइनस y1 ठीक है तो 9 माइनस माइनस 7 ठीक है जो बनता है +7 तो 9 प्लस 7 16 का स्क्वायर ठीक है और 7 माइनस 3 जो कि बनता है 4 का स्क्वायर तो 16 256 256 प्लस 16 तो ये बनता है 56 प्लस 16 6 12 बन गया और 72 272 ठीक है। इसका मतलब है 272 का स्क्वायर अगर मैं करूं 272 का स्क्वायर करूं तो वो 136 के स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 136 और प्लस स्क्वायर रूट 136 के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 136 प्लस 136 कितना बन जाएगा 272 ठीक है 272। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ ऑब्वियसली ये स्क्वेयर रूट में होगा ये भी स्क्वेयर रूट में होगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये सब कुछ स्क्वेयर रूट में है तो यहाँ से स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल तो 272 इज इक्वल 272 दैट मेक सेंस। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है तो डी विल बी द बेस्ट ऑप्शन हम डी को बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है वो है जी द पॉइंट्स 4 -2 -2 4 and 5 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है व्हाट इज इन सेंटर। तो अगर मैं ट्राइंगल को अगेन रफली ड्रॉ कर लूं देखें आप वहां पे ट्राइंगल को ड्रॉ करें ना करें ये आपकी मर्जी। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल हो या ग्राफ आप ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं बाय हैंड तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ग्राफ बना के भी इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है जो कि सिंपलेस्ट और इजिएस्ट वे है। अब सबसे पहली बात है इन सेंटर क्या है 4 माइनस 2 4 पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव सीसा -2 तो एक पॉइंट तो ये हो गया
माइनस टू फोर, तो एक पॉइंट तकरीबन ये हो गया, ठीक है, माइनस टू फोर, और इसके बाद एक है फाइव फाइव, तो फाइव फाइव तकरीबन एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, मेरे पास एक ट्राइंगल बनती है, ठीक है। एंड व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर होता है कि अगर मैं इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, जैसे ये एक एंगल है, तो इसको ये बाइसेक्टर है इसका, ये मेरे पास एक एंगल है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये मेरे पास एक एंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। जिसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट दिस इन सेंटर? ठीक है, वो देख लेते हैं। दैट इज ए एक्स वन, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसी तरह से जो 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 ये तो एब्सिस आएगा, ऑर्डिनेट कैसे आएगा? ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो अब इस केस में इन सेंटर किस तरह से मालूम किया जा सकता है? उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी और सी की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज ए बी सी? जैसे मैंने पहले ट्राइंगल ड्रॉ की, अगर मैं यहां से इसको रिमूव कर दूं और ट्राइंगल को वापस ले आऊं, ठीक है, जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ की थी, इसको अगर मैं वापस ले आऊं, तो आप यहां से देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट मेरे पास, ये पॉइंट मेरे पास जो था, दिस पॉइंट इज ए, अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट विल बी स्मॉल ए, स्मॉल ए ये साइड है, स्मॉल बी, बी के ऑपोजिट सॉरी ये स्मॉल बी साइड है, और सी, सी के ऑपोजिट वर्टेक्स पे साइड ये स्मॉल सी है। तो अब बी से लेके ए तक डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा, सी की लेंथ आ जाएगी, बी सी की लेंथ इस तरह से आ जाएगी, और सी ए की लेंथ इस तरह से आ जाएगी। लेकिन ये देखें अगेन, यहां पे आपको स्मार्टली प्ले करना है, टाइम सेव करना है। अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं इसको रफली कोशिश करूंगा कि मैं जितना एक्यूरेट इसको ग्राफ कर सकता हूं जल्दी से ग्राफ करूं, और उसके बाद अवेलेबल ऑप्शन में देखता हूं 7/2 और 2/7। 7/2 का मतलब है, बिकॉज अगर जो अगर आप देखें तो वर्टेक्स जो बन रहा है, ये डिस्टेंस जो है, ये तकरीबन अगर हमारे पास ये डिस्टेंस जो था, ये पॉइंट सी जो मैंने प्लॉट किया था, अगर आप देखें तो वो 5 है, मीन के दिस इज 5, तो अगर ये 5 है तो ये तकरीबन जो है ये मिड ऑफ 5 है, जो कि 2.5 बनता है। इसका मतलब है ये 2.5 है, और यहां से अगर आप देखें तो ये भी 5 है, तो अगर इसका मिड पॉइंट देखें तो ये भी 2.5 है, तो ये 2.5 और 2.5 यानी ये इस तरह बनता है, सिसा भी 2.5, ऑर्डिनेट भी 2.5, या 3 से 2.5 के दरमियान एब्सिसा भी है, और 3 से 2.5 के दरमियान जो है वो ऑर्डिनेट भी है। ये मेरी असेसमेंट है, ठीक है। आप अवेलेबल ऑप्शंस में आ जाएं, 7/2 जो कि बनता है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2/7 इसका मतलब, 7/2 इसका मतलब मैंने रफली ड्रॉ किया तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 2/7 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, लेस देन 0 है। तो अगर आप देखें तो हमारा ऑर्डिनेट लेस देन 0 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी पे चले जाएं, 3/2 जो कि 1.5 बनता है, जो कि ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज ये 1.5 से ग्रेटर है। 5/2 ये देखें 2.5 एंड 2.5, सो दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। डी नहीं हो सकता 3 एंड -3, बिकॉज 3 तक तो बात ठीक थी, हम इसको हमने रफली ड्रॉ किया हुआ 3 हो सकता है, लेकिन -3 नहीं है। -3 हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो अबव एक्स एक्सिस थिंग्स आर पॉजिटिव, यानी एब्सिसा पॉजिटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस एब्सिसा नेगेटिव होता है। इस तरह राइट हाफ में जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हाफ पे ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, मीन के वाई नेगेटिव होता है। तो अगर इसको देख ले तो इसके लिए पॉसिबिलिटी हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन -3 नो वे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो देखें, विदाउट गोइंग फॉर दैट फार्मूला, मैंने जस्ट जो है वो ग्राफिकली इस चीज को, जिसमें मेरा टाइम भी सेव हुआ, मेरा ऑप्शन भी राइट आ गया, तो मैंने बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर लिया। एमसीक्यू जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए -6/3 एंड बी -5/-2 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। यानी अब ये डिविजन फार्मूला से मुतालिक चीजें आ गई हैं। हम सबसे पहले ये बात जानते हैं कि अगर कोई चीज, ये कोई रेश, कोई चीज जो है
वो किसी गिवन लेंथ को यानी 1:1 में डिवाइड किया, तो वो तो कहलाता है मिड पॉइंट। यानी अगर दो पॉइंट का, अगर हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो, अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर लूँ तो वो आई थिंक ज्यादा आसानी हो जाएगी, बिकॉज मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कि किस तरह से आप स्मार्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें जो मेरे पास पॉइंट है, सबसे पहला है ए है -63, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड -6 एंड 3 + 1, 2 एंड 3 पॉइंट। दिस इज माई ए पॉइंट, ठीक है, और वेयर इज माई बी पॉइंट, 5 - 2, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड -2 बिलो एक्स एक्सिस होगा तो ये पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, अब क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं। देखिए, ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको, आप समझें कि आपका आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो कहता है जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द जॉइन ऑफ ए -63 और बी है 5 - 2। ठीक है, किस रेशियो में, 2:3 में। ठीक है, 2:3 में, मीन के इफ दिस इज माई पॉइंट ए, तो ए टू बी जो रेशियो है वो 2:3 होगी। ठीक है, आप फर्ज कर लें यहाँ ये जो है वो, यानी अगर मैं इसके 5 इक्वल पार्ट्स बनाऊं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1, लेट्स सपोज 1, 2, उसके बाद मेरे पास आता है 3, 4 एंड 5। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स है, मैं अगर डिफरेंट कलर बना दूं इसकी, आपको आपको समझाने के लिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, ये 5 पार्ट्स हो गए। वो कहता है कि आप इस तरह डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स यहाँ पे, यानी 2, ये 2 रेशो है, और ये रेशो यहाँ से कितने बन गई, 3 पार्ट्स की 3 रेशो। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस पॉइंट, तो आप इस पॉइंट को अवेलेबल ऑप्शन में देख लें। देखिए कितना स्मार्टली आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको वो एक रिग्रेस तरीके का फॉर्मूला भी है हमारे पास, जो कि सॉल्व करना पड़ता है, जो कि टाइम टेकिंग है। यहाँ से देखें, -81, नेवर, दिस कैन नेवर बी द आंसर, बिकॉज ये जो पॉइंट बनता है वो बनता है तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग, यानी -1 पॉइंट समथिंग, और एप्सिसा जो है यानी ऑर्डिनेट जो है वो +1 है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, 3, 2 नेवर, बिकॉज एक तो यानी इसमें एप्सिसा तो है ही नेगेटिव, तो जहां पे एप्सिसा पॉजिटिव है वो तो पॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, -2 + 2, -2 + 2, यानी -2 तक तो बात ठीक है, लेकिन +2 नहीं हो सकता, बिकॉज ये +2 नहीं है, 2 से लेस है। तो द बेस्ट ऑप्शन कुड बी -8/5, जो कि 1 - 1.9 समथिंग होगा, या -1.8 समथिंग होगा, और ऑर्डिनेट 1। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये भी नहीं हो सकता, तो आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन। देखें, ये तो मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ, यानी यू कैन प्ले स्मार्टली, आप स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। अगर आपको लेट सपोज मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता, तो मिड पॉइंट इसका तकरीबन 2 पार्ट्स के, और वो किधर, यहाँ पे होता। ठीक है, अब अगर फॉर्मूलाई की बात कर ली जाए, यानी अगर हमें बाय फॉर्मूला करना हो, तो मैं आपको यहाँ से ये चीज भी समझा सकता हूँ, यानी चलें इस इन पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, आपको आइडिया तो समझ आ गया। उसमें क्या है कि इसको K1 रेशो बोल देंगे, इसको K2 रेशो बोल देंगे। ठीक है, और अगर इंटरनली कर रहे हैं, फ्रॉम इनसाइड, इंटरनली का मतलब है फ्रॉम इनसाइड, दिस इज K1, ठीक है, और ये क्या है K2, तो इसको फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, K1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, K1x2 + K2x1, K2x1 डिवाइडेड बाय K1 + K2, यानी इससे आपके पास आ जाएगा अब्सिसा, और K1y2 + K2y1 डिवाइडेड बाय K1 + K2, ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डिनेट। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अब्सिसा और ऑर्डिनेट, जिसमें X1, XY1 ये चीजें हैं, ठीक है, ये X2, Y2 है, और ये K1, K2 है। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अब्सिसा और ऑर्डिनेट जो आपके आपके पास वही पॉइंट आएगा। ये था इंटरनली। अगर यही चीज एक्सटर्नली हो, यानी एक्सटर्नली, तो हम तब भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है K1 X2 - K2 X1। यानी यही चीज है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। ये एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली से मुराद, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो एक्सटर्नली से मुराद कुछ यूं हो जाएगी। मैं आपको यहां से इसको रिमूव कर दूं,
कि अगर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं बियॉन्ड एक सर्टेन पॉइंट, तो मुझे एक यहां पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि वहां से लेके ए तक 2 रेशो हो और वहां से लेके बी तक 3 रेशो हो। दैट पॉइंट जो होगा वो एक्सटर्नली की बात करेगा। उसको एक करने का अनदर वे ये भी हो सकता है, यानी कि मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, अगर एक्सटर्नली करें तो फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है जो कि यहां से लेके यहां तक ए जो है वो 2 रेशो है, ठीक है, यानी पॉइंट ओ जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ओ से ए 2 रेशो 2 में है और ओ से जो 3 है, ठीक है, यानी ओ से जो 2 रेशो है वो किस में है, 3 में, ठीक है, 2 रेशो 3। अब इस केस में हम यूं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल गया जी ये कितनी बनती है, 2 प्लस 3 विच इज 5, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 प्लस 3 ये 5 पार्ट्स बन जाएंगे, या अगर आप टोटल देख लें ओ से लेके बी तक, ठीक है, तो ये 3 पार्ट बनते हैं, तो जिसके 2 पार्ट्स ये हैं और ओ से लेके बी तक ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस केस में हम जो है वो ए को मिड पॉइंट कंसिडर करते हुए, या ए को इंटरनल पॉइंट, नॉट मिड पॉइंट, इंटरनल पॉइंट कंसिडर करते हुए हम इंटरनल फॉर्मूला का अप्लाई, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।